हेलो वेलकम नमस्ते। आज टाइम है एक और मूवी रिव्यू का, और जो फिल्म मैंने देखी वो है इमरान हाशमी की कमबैक फिल्म व्हाई चीट इंडिया। वैसे आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा एक चैलेंज बहुत वायरल हो रहा है, #10year challenge। अब शायद इमरान हाशमी भी ये 10 year चैलेंज लेना चाह रहे होंगे, क्योंकि इमरान हाशमी जो सी से किस और बाकी चीजें कहते थे वो सी से चीट इंडिया क्यों कर रहे हैं? हा? एंड दूसरी चीज, जो इमरान हाशमी कुछ और बजाते थे वो इस फिल्म में आप देखेंगे हारमोनियम बजा रहे हैं। ओके तो वाई चीट इंडिया में आपको दिखाई देंगे, जैसा मैंने बताया, इमरान हाशमी, इसके अलावा डेब्यूटेंट एक्ट्रेस श्रेया धनवंतरी, बाकी छोटे मोटे लोग हैं आपको शायद पता भी नहीं होगा और आप कोशिश भी नहीं करेंगे जानने की। अरे हम दे रहे हैं आपको सीट की गारंटी। सर अगर आप गारंटी दे रहे हैं तो 10 क्या 15 लाख देने के लिए तैयार हूं। वाई चीट इंडिया कहानी है रॉकी AKA राकेश सिंह की, यानी इमरान हाशमी की, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से सताया हुआ एक इंसान है, और राकेश इसी एजुकेशन सिस्टम के फ्लॉज को यूज करके बन जाता है एक एजुकेशन चीटिंग माफिया। लाइफ में राकेश का फंडा बहुत सिंपल है कि जो अमीर लोग हैं, जो पैसे दे सकते हैं स्कूल कॉलेज एडमिशंस के, उनसे पैसे लेना, और गरीब बच्चे जो जरूरतमंद हैं और पढ़ाई में अच्छे हैं उनको यूज करके चीटिंग कराना और कॉलेज में एडमिशन करवाना। अगर इंजीनियरिंग के सीट के लिए कोई ऐसे बच्चों का एंट्रेंस एग्जाम उनकी जगह बैठ के दे देता है तो सेट ना मामला। ये कैसे? नकलमंद तो तुम हो, नकलमंद बन सकते हो कि नहीं? एजुकेशन माफिया राकेश सिंह का ये झोल जाल एक दिन पड़ जाता है उल्टा, और उसके बाद क्या होता है ये आप देखेंगे फिल्म में। पैसे के आगे शुरू होता है असली खेल, पावर का। Why Cheat India एक ऐसा सवाल है जो आप राइटर डायरेक्टर शौमिक सेन से पूछना चाहोगे, भाई ये फिल्म क्या बनाई है, फिल्म का मैसेज क्या है, क्योंकि फिल्म का जो मैसेज है बहुत ही अनक्लियर है। आज देश के हर एक इंसान का बस एक ही सपना है, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का ठप्पा। ये सपने देखते हैं माँ बाप और पूरा करते हैं बच्चे। वाई चीट इंडिया का कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैसेज आपको कभी समझ में नहीं आएगा। फिल्म क्या चीटिंग के अगेंस्ट है? फिल्म ये बता रही है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉज हैं? फिल्म ये बता रही है कि ये तो इंडिया में चलता ही रहता है क्योंकि जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है? इन सारे सवालों से आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि फिल्म कभी कोई स्टैंड नहीं ले पाती है, और आप सोचेंगे कि ये डायरेक्टर मेरे को मिल जाए तो मैं इससे यही सवाल पूछूंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ, वो फिल्म में परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं, डेब्यूटेंट श्रेया धनवंतरी बहुत ही फ्रेश लगती है, साथ में एक्टर स्नेहदेव चैटर्जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, और एक यंग वल्नरेबल स्टूडेंट का कैरेक्टर बखूबी निभाया है। इमरान हाशमी की क्या बात करें, अपने नए अवतार में इमरान बहुत ही डिफरेंट लगते हैं, ही इज ट्राइड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट, और राकेश सिंह के इस नेगेटिव ग्रे कैरेक्टर को उन्होंने अपने तरीके से बहुत ही बैलेंस तरीके से परफॉर्म किया है, जो कि आप फिल्म में देखेंगे। आपने हजारों डिजर्विंग कैंडिडेट्स की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने किसी की जिंदगी खराब नहीं की, और अगर मैंने कुछ अमीर बच्चों से पैसे बनाए हैं और कुछ जरूरतमंद ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की जेबें भरी हैं तो कुछ गलत नहीं किया है। सो फाइनली फिल्म का वर्डिक्ट, मैंने वाई चीट इंडिया देखी एकदम खाली थिएटर में। मतलब अगर आप भी जाने वाले फिल्म देखने के लिए मूड बना गए कि भाई इमरान हाशमी की पिक्चर है, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं, शायद सिर्फ खाली थिएटर मिले। हाँ, खाली थिएटर में कुछ और आपके मकसद है, कुछ और मंसूबे हैं, तो फिर देख लो, जो करना है आप देख लो। मेहनत अच्छे सैलरी टोक कर, बड़े लोग स्कैम करते हैं। अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को बताओ कि क्या प्लान है, अगर कोई प्लान है तो यहाँ पर टैग करो, बताओ, कमेंट करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करो, लाइक करो अगर वीडियो अच्छा लगा। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो।